हेलो फ्रेंड, मैं रेनू और आप सब कैसे हो फ्रेंड्स। तो आज मैं अपने मनी प्लांट्स की आपको कुछ ग्रोथ दिखाऊंगी, क्योंकि अब विंटर सीज़न आने वाला है। तो विंटर सीज़न आने पे इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और ये इसके लीव्स भी गिरना शुरू हो जाएंगे। हालांकि मेरे यहाँ पे थोड़ा सा शेड रहता है तो मेरे लीव्स नहीं गिरते हैं, बस ग्रोथ कुछ कम हो जाती है। और मैंने काफ़ी दिनों से इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है फ्रेंड, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। और ये कहाँ तक बढ़ते चले जा रहे हैं आप देख सकते हैं, ये पूरी सीढ़ी मेरे स्टेयर पे है और ये देखिए पूरा यहाँ तक कवर करते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत मनी प्लांट्स के मेरे लीव्स हैं और कितने हेल्दी और कितने अच्छी इनकी ग्रोथ है। आप देख सकते हैं, देखिए, और इनकी जड़ जहाँ जहाँ जाती है वो वहाँ वहाँ फैलते चले जा रहे हैं। और इन्होंने कई पॉट कवर कर रखा है, वो मेरा देखिए आप खूबसूरत डफन बेहकिया का प्लांट है। और आप देख सकते हैं कि उसका पूरा गमला इन्होंने अपने मनी प्लांट की जड़ों ने उसको कवर कर रखा है। तो देखा आपने किस तरह से इनकी ग्रोथ है और ये कितने हेल्दी एंड फ्रेश है। मनी प्लांट एक लकी प्लांट होता है फ्रेंड, और इसको हम इंडियन अपने घरों में लगाना बहुत पसंद करते हैं। ये कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है फ्रेंड, और ये आपको सबसे अच्छी बात है कि आपके रूम में भी अच्छे से ये चल जाते हैं, इंडोर प्लांट्स में भी आते हैं, किचन में आप लगा सकते हैं इनको, छोटी छोटी बॉटल में, छोटे छोटे पॉट में आप लगा सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इनके लीव्स आप देख सकते हैं, देखिए बहुत खूबसूरत होती है। और इनकी कोई ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स आपको। और इसकी ये रूट्स होती है, देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, तो ये जो रूट्स होती हैं ये रूट्स ही इसकी यहाँ से ही पकड़ लेंगे, आप पानी में डाल दीजिए और ये वहाँ से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। छोटी छोटी कटिंग, यहाँ तक कि इसकी लीव्स भी अगर आप लगा देंगे, अगर उसमें थोड़ी सी रूट्स है तो भी वो अच्छे से सर्वाइव कर लेता है फ्रेंड्स। और इसको कोई ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, एलोवेरा का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं वो भी आप इसकी पत्तियों पे स्प्रे करेंगे तो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके मनी प्लांट पे आने वाला है। आप देख सकते हैं मेरे मनी प्लांट को ग्रोथ बहुत ही अच्छी, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही प्यारा है। इसके मैंने वेल्डन मिट्टी में लगाया है, इसको पानी आपको कम देना है। एक पार्ट रिवर्स सेंड, एक पार्ट काउडंग, एक पार्ट गार्डन सॉइल लेके एक अच्छी सी मिट्टी बना के लगा लीजिए। इसमें पानी कम देना है फ्रेंड, ज़्यादा भरना नहीं है। जब इसकी मिट्टी सूख जाए पॉट की तभी आपको पानी देना है। आप देख सकते हैं ये कहाँ तक बढ़ रहा है। और इसको शेमी शेड में रखिए, ज़्यादा धूप में इसकी पत्तियाँ जलने लगती हैं, इसकी धूप में ज़्यादा पत्तियाँ जलने लगती हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है प्लांट्स की। और ये जो आसपास के इंडोर प्लांट है उसमें भी इसने पूरा कवर कर रखा है, देख रहे हैं। कोई ख़ास केयर की इनको ज़रूरत नहीं होती है, बस आप थोड़ी सी केयर इनके साथ करिए, हल्की सी केयर, ये आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं और आपके घर की शोभा भी बढ़ाते हैं। देख रहे हैं मेरे आसपास के जितने भी प्लांट इनके पास रखे हुए हैं, देखिए उन सब में इसने अपनी जड़ लगा ली है। और मैं यहाँ से अगर कट भी कर दी, अगर मैं यहाँ से, ये देखिए आप, ये जिससे इसने अपनी ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट कर दी है, तो अगर मैं यहाँ से इसको कट भी कर दूंगी तो ये मेरा प्लांट तैयार हो गया है। देख रहे हैं कितनी खूबसूरत इसकी लीव्स होती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। मेरे पास और भी हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट है, मैं दिखाती हूँ। छोटी सी बॉटल में लगा के आप कमरे में लगाइए, डाइनिंग टेबल पे, सेंटर टेबल पे, किसी भी जगह, ये आपकी शोभा बढ़ाने के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आप ये देखिए, ये मेरा हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए ये मनी प्लांट मेरा कहाँ तक जा रहा है, और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए कहाँ तक जा रहा है, देखिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, देखिए बहुत ही प्यारा लगता है। और ये हैंगिंग बास्केट का बेस्ट खूबसूरत प्लांट है, आप देख सकते हैं मेरे मनी प्लांट की ग्रोथ। मैं इसमें दो तीन दिन में पानी डालती हूँ फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए, देखिए कहाँ तक ये जा रहा है, देखिए कितनी खूबसूरत लगते हैं इसके लीव्स। देखिए मेरी मनी प्लांट की ग्रोथ है बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ मैं दिखा रही हूँ आपको स्टेयर पे,
और मैं दिखाती हूँ आपको अपने स्टेयर पे लगे हुए। ये देखिए एक मनी प्लांट मेरे पास ये भी है, ये बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट है। देखिए इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं और कुछ मेरे थोड़ा सा समर में बर्न हो गए थे और तो मैंने इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया है। आप इसके पत्ते देख सकते हैं कितने बड़े बड़े, बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। इसके भी दुगने साइज़ के पत्ते होते हैं इसके, और इसकी भी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। देखिए देखिए, तो फिर चलते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अगर आपको मनी प्लांट पे मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें फ्रेंड्स। तो बाय फ्रेंड्स, हैप्पी कटिंग। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।